जज्जी बस स्टैंड में आज यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत वहां खड़े सभी चार पहिया वाहनों के कागजातों की पड़ताल की गई। कई समय से यातायात पुलिस को यह शिकायतें मिल रही थी कि कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ी और टैक्सी के परमिट में रजिस्टर नहीं करवाया है, इसके बावजूद भी लोग टैक्सी की तरह अपने वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं इस कार्रवाई के दौरान अधिकतर चालक और वाहन मालिक मौके से फरार हो गए, जिसके चलते पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं यातायात पुलिस द्वारा कैन की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि जो गाड़ियों के मालिक नहीं मिल रहे हैं उनके गाड़ियों को यातायात पुलिस चौकी ले जाया जाए। इस मौके पर कई लोगों ने पुलिस के काम में व्यवधान डालने की भी कोशिश की। वहीं कई लोगों की शिकायत भी थी कि पुलिस जबरिया पैसा वसूल करने के लिए यह मुहिम चला रही है। आपको बता दें कि जज्जी बस स्टैंड में कई ऐसी गाड़ियां हैं जो टैक्सी परमिट नहीं है, इसके बावजूद भी उनका उपयोग टैक्सी की तरह किया जाता है, जिसके चलते कई बार या तो वाहन मालिकों के साथ या फिर उन गाड़ियों में जाने वाले यात्रियों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी। वहीं टैक्सी परमिट न होने के चलते यहाँ कई बार लोग बाहर से भी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। टैक्सी परमिट न किए जाने का मुख्य कारण टैक्स की चोरी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने इधर उधर की गाड़ियों को भी समझाइश दी कि वह अपनी गाड़ियों को ठीक तरीके से लगाएं, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। आपकी गाड़ी का हो गया है तो हट जाइए, आप हमें अगली गाड़ियां चेक करने दीजिए, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। गाड़ी का काम चेक करा लो, आप हमें काम नहीं करने दे रहे। करा लो, वो ले जाता है तो तुम मेरे साथ ले रहा, ठीक है। पुलिस को क्यों काम नहीं करने हम करन दे रहे हैं। पुलिस दो घंटे हो गए हैं, हम 12 बजे से निरंतर यहाँ खड़े हैं। यहाँ जितनी भी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, आपको पता है ये सारी टैक्सियाँ टैक्सी पर चलती हैं। तुम भी बोलो ना, आपने कहा नहीं है, ये आप जानते हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि आप एक कांग्रेस नेता है, क्या आप पुलिस को काम नहीं करने देंगे? आप कांग्रेस नेता है, आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस यहाँ दो घंटे से खड़ी हुई है, पुलिस यहाँ दो घंटे से खड़ी हुई है। कोई गाड़ी का ड्राइवर नहीं आ रहा है, कोई भी गाड़ी का मालिक नहीं आ रहा है। आपकी गाड़ियों में ऐसी क्या दिक्कत है? क्या नहीं, नहीं, चलो एक काम करो, जो गाड़ी का मालिक और ड्राइवर हम भैया जी गाड़ी का कागज बता रहे हैं कि गाड़ी का पंचनामा भरना है, तो भी आप हमें नहीं भरने दे रहे हैं। आप ड्राइवरों को भगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मुनेंद्र देरा जी, आम लोगों से पैसा उगाया जाता है भाइयों, और जो लोग कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं, पंचनामा भर रहे हैं, आप सरकारी कार्रवाई में क्यों बाधा डाल रहे हैं? मैडम हम आपसे गलती मांग रहे हैं, तो आप हमें अपना काम करने दीजिए। जब हम गाड़ी का कागज चेक कर रहे हैं, हम पंचनामा भर रहे हैं, आप इस बात से सहमत हैं? मेरी बात सुनिए, आप इस बात से सहमत है ये सारी गाड़ियां टैक्सी पे चल रही है, फिर इसके बाद आप क्यों हमें ये काम नहीं करने दे रहे? आप क्यों हमें कागज नहीं चेक करने दे रहे? कल करा देना गाड़ी, आप टैक्सी परमिट कल करा देना, लेकिन अभी जो कागज है वो तो चेक कराओ। जी बस स्टैंड की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ बहुत सारी फोर व्हीलर हैं जो अस्त व्यस्त खड़ी रहती हैं, टैक्सी पर यहाँ जितनी भी फोर व्हीलर खड़ी रहती हैं वो टैक्सी पर चलाई जाती हैं, पर अधिकांश गाड़ियों के कागज नहीं होते हैं, इनके परमिट भी नहीं होते हैं। तो अधिकारियों के निर्देश पर हम यहाँ कागज चेक करने की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो इस तरह से अस्त व्यस्त गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वो इस तरीके से ना खड़ी करें, उन्हें निर्देश देने के लिए कर रहे हैं। हमें लगभग यहाँ 2 से 3 घंटे हो गए हैं, पर गाड़ी के चालक भी नहीं पता चल रहा है, मालिक भी नहीं पता चल रहा है, वो गाड़ी छोड़कर चले गए हैं यहाँ से। कुछ गाड़ी चालक आए हैं तो उनके पंचनामे भर लिए हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैडम तो ये जो स्टैंड दिया गया है, ये गाड़ी खड़ी करने के लिए दिया गया है, फिर उसके बावजूद ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हमें इससे दिक्कत नहीं है कि इन्हें ये स्टैंड दिया गया है ये यहाँ खड़ी ना करें। यहाँ पर जो आपने देखा है पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा है बीच में, वो गाड़ियाँ हमें हटवाना है, और गाड़ियों के पेपर जो बिना परमिट, चूँकि टैक्सी पर गाड़ी चलती है तो उसका परमिट होना चाहिए, पर ये बिना परमिट बिना लाइसेंस बहुत सारी गाड़ियाँ बिना कागज के चल रही हैं, तो दस्तावेज तो मतलब मैडम जो टैक्सी परमिट की गाड़ियाँ होंगी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं? हाँ, और वो भी ऐसे बीच में नहीं खड़ा करेंगे कि लोग लाइन बाई लाइन सीरियल से खड़ा करें। हाँ, जो उनके लिए प्रॉपर जगह दी गई है वो उस जगह पर खड़ा करें, और जैसे ही पुलिस आती है ये सारे के सारे अचानक गायब हो जाते हैं। वो भी एक यहाँ की प्रॉब्लम है कि कभी भी कोई यहाँ चेक करने आता है या गाड़ियाँ हटवाने आता है तो सारे के सारे ड्राइवर गायब हो जाते हैं, तो ये बड़ी एक शंकापूर्ण स्थिति बनती है कि ऐसा क्या कारण है कि ये गाड़ियों के ड्राइवर मालिक चालक सारे गायब हो जाते हैं। मैडम आपने क्रेन भी बुलवाई है तो इसका? हाँ, वो क्रेन बुलाने का कारण यही था कि हमें यहाँ 2.5 से 3 घंटे हो गए थे, पूरा रास्ता ब्लॉक था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, गाड़ियाँ बीच में खड़ी थी और कोई भी मालिक चालक आने तैयार नहीं था सामने।
बाद में भी लोग आए तो उन्होंने काफी इसका विरोध किया हमारी कार्रवाई का, वो गाड़ियां हटाने तब भी तैयार नहीं थे तो हमें क्रेन बुलवानी पड़ी। मैडम इन लोग कुछ समझाइश पहले दी थी क्या, एक बार वार्निंग टाइप की? हम लोग आते हैं पर दिक्कत वही है, मिलता नहीं है। ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर कोई भी मालिक चालक हमें मिलता नहीं है, सारे थे मैडम यहाँ ये बात। और ये बात ये चालक भी जानते हैं, मालिक भी जानते हैं कि यदि हम टैक्सी पर गाड़ी चला रहे हैं तो यात्रियों की भी सुरक्षा का सवाल है और मालिक की भी जिम्मेदारी कि गाड़ी के पूरे कागज रखे जाएं, गाड़ियां इस तरीके से अस्त व्यस्त ना खड़ी की जाएं। तो मैडम अब इन पर क्या कार्रवाई की जाए? इन पर कार्रवाई हम ये हमारे अधिकारियों को बताएंगे, जिस हिसाब से भी इनके दस्तावेज पूर्ण नहीं है कार्रवाई की जाएगी।